लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। हमें सरकार से अनुरोध है कि इस पे जल्द से जल्द आकर के हम लोग को मुआवजा दिया जाए। जिसका घर में रहने खाने पीने का सब चीज का व्यवस्था है वो अपना देखा जाए, तो रिचार्ज करना पड़ता है 400 रुपए। और ये मीटर लगा दिया गया है बाढ़ के तरफ से जो। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। नल जल योजना को लेकर जो भ्रष्टाचार की तस्वीर चिराग पासवान हमेशा से ही सरकार को दिखाना चाहते थे, उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। वो तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सकरी पंचायत की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नल जल योजना से त्रस्त जनता किस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाते नजर आएगी। साथ ही इस वीडियो में, यह जो वायरल वीडियो है, इसमें वहाँ की जनता स्वयं इस नल जल योजना की पोल खोल रही है और किस प्रकार से इस नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है इसका पूरा जानकारी खुद दे रही है। हाँ, उठा लो पैसा, कहाँ से थोड़ा जोर से बोरिंग हमने सोती जी 1.5 लाख रुपया बोरिंग कराने में लगा है। खाई ले तो है ना, कहाँ से पानी है। देखिए, हमारे यहाँ का जो भी नल जल का काम किया गया है, इस तरह से जो किया गया है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो एक बीता भी सही से अंदर नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ के पाइप जो दिख रहा है ऐसे ही दिख रहा है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे गांव में जितना भी नल जल का काम किया गया है उसके अनुसार से देखा जाए तो पूरे गांव में इसी तरह से पाइप बिछाया हुआ है। हम चाहते हैं, सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इस पे आकर के जांच किया जाए, पूरी तरीका से इसको जांच किया जाए। पूरे गांव में इसी तरह से नल जल का काम किया गया है। यहाँ का जनता पानी के वजह से बहुत नाखुश है। देखिए, ये पाइप अभी तक सही से ढाका भी नहीं गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि कितना यहाँ का वार्ड मुखिया और जो भी BDO साहब हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इन लोग कितना जनता का बुड़बक बना करके पानी को हम लोग को घपला कर दिया गया है, ठीक है। और पानी का वजह से हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ का नाराज है। हम चाहते हैं, 8 दिन से पानी नहीं मिला यहाँ का, 8 दिन का जनता 8 दिन से लगातार देखा जाए पानी की बहुत परेशानियाँ झेल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जनता का जो मायूसी है उसको पर आकर के जांच किया जाए। पूरे BDO साहब से अनुरोध है कि आप इस पे आकर के कार्रवाई किया जाए। हमें सरकार से अनुरोध है कि इस पे जल्द से जल्द आकर के हम लोग को मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर जितने भी पब्लिक है, देखिए, सब कोई नाराज है, पानी से कोई खुश नहीं है। देखिए, यहाँ का जनता जितना भी है पानी के वजह से बहुत परेशान है। हालांकि पूरे गांव में दो चार मात्र यहाँ पर देखा जाए तो कल है जो सरकार का दिया हुआ बनाया है उसी पे हम लोग पानी पी रहे हैं। पानी के वजह से बहुत हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। मीटर है, हम चाहते हैं कि इसको आ करके जल्द से मीटर है जल्द इसको ले जाए, जिसमें रिचार्ज करना पड़ता है 400 रुपए। और ये मीटर लगा दिया गया है बाढ़ के तरफ से जो जनता को यहाँ पे परेशानी झेलना पड़ रहा है। पैसा चाहता है यहाँ पे जनता हम लोग ना दे, क्योंकि घर में लॉकडाउन के वजह से
सारे लोग बैठा हुआ है यहाँ पे। बहुत सारा काम था जो रुका हुआ है, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि हम लोग का यहाँ था सीमेंट बालू ये सब मिट्टी से ऐटा से लगाना था, ये देखिए एंगल लगा दिया है ऐसे लगा के, और ये प्लास्टिक का पाइप है जो टंकी रख दिया है ऊपर पूरी, और देखिए सर ये मीटर लगाया गया है, जीपीएस मीटर इसको बोलता है, जो हफ्ता में रिचार्ज मांगता है, ये जनता से नहीं जुट रहा है, और जनता यहाँ का पानी के लिए पूरा नाराज है। पानी 8 दिन से आज पानी नहीं मिला, टोटी बंद हो जाने के कारण सकरी में 2 गो कल चल रहा है, 2 गो कल पर सकरी के 150 हरजन टोला, पासवान टोला हो या रविदास टोला हो, 150-200 घर का टोला जो है हम लोग प्यासे मरे हैं। हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं इसका सही उचित जांच करे और आके हमें पानी मुफ्त देने का काम करे, अगर मुफ्त नहीं देना चाहते हैं तो इस मीटर को ले जाए और इस पाइप को कबार ले जाए इस जगह से, हमको फिर ले जाए सारा सामान अपना ले जाए, सरकार से हमें पानी का आपका सुविधा नहीं चाहिए, हम अपने खुद सुविधा पैदा कर लेंगे, हमें काम होगा तो अपने कल बैठा लेंगे, अपने पानी पियेंगे, लेकिन सरकार का सुविधा का हमें जरूरत नहीं। अगर नल जल का हमें पानी चाहिए तो फ्री में चाहिए, देखिए यहाँ पर पूरा जनता नाराज है, पूरा भीड़ लगा हुआ है, पानी की वजह से बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है हम लोग को। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस सकरी पंचायत सकरी गांव इस्लामपुर प्रखंड वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर बुधनी देवी मुखिया अरविंद सिंह के तहत जो ये नल जल योजना हुआ उसके अंतर्गत मीटर बैठाया गया, पानी 8 दिन से हम लोग नहीं पिए हैं, और जो हमारे गांव में पाइप बैठाया है एक मुट्ठी में बैठाया है, इसका जांच पड़ताल पूरी सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर इसका करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्री पानी देना है तो सरकार हमें दे, हमसे बिल नहीं जुटेगा, हम लोग लॉकडाउन से तबाह हैं, कोई मर्दाना यहाँ से कमाने बाहर नहीं गया है, और जो गया है जो गया भी है वो वहाँ कमा नहीं रहा है, बैठ रहा है, पैसा किसी के पास नहीं है, सरकार बिजली बिल माफ करे। तो अभी आपने उस नालंदा गृह जिला के सकरी पंचायत के लोगों को सुना, साथ ही वो पूरी तस्वीर भी देखी जिसमें पाइप जो है वो भी पूरी तरह से ढका नहीं गया है, और 500 रुपये पर मंथ लोगों से नल जल योजना के लिए मांगा जा रहा है, 8 दिनों से पानी बंद है, लोगों का कहना है कि जो जनधन योजना का कुछ पैसा आता है अब उसे खाने पीने में यूज करे या फिर इस नल जल योजना में अपना पूरा पैसा लगा दे। लॉकडाउन में जनता त्रस्त हो चुकी है, पैसा को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आना सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं का पोल खोलता है, और जो विपक्ष है और या फिर जो भी नेता नल जल योजना में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि भी करता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।